हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान वन इंटरनेशनल ड्रोन कंपटीशन यूएएस चैलेंज 2019 पे। और जो फर्स्ट वीडियो हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है अबाबिल की तरफ से, अबाबिल ABABEEL। ओरिजिनल लिंक्स टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा, मल्टीपल लिंक्स होंगे क्योंकि मैंने तीन वीडियो से कलेक्ट किया, ये सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, क्योंकि जिसने सजेस्ट किया उसने बोला कि ये तीनों वीडियोस पे रिएक्ट करना है क्योंकि सब मिला के फुल इंफॉर्मेशन। तो हैव यू मेड अ कंपैरिशन ऑफ इट? या ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने में। एंड वी लव ड्रोन फुटेज। हाँ, लेकिन ये ड्रोन कंपटीशन है तो प्रोबेबली मिलिट्री होगा या सर्वेलेंस ड्रोन्स होगा। एंड उसमें पाकिस्तान के टीम ने जीता है चैलेंज, पूरा एक ग्लोबल टूर्नामेंट। सो इज इट लाइक अ रेस? आई हैव नो आईडिया, लेट्स चेक इट आउट। ओरिजिनल लिंक्स टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में, मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर्स एंड नाउ लेट्स चेक इट आउट। या ये चैनल का नाम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बरतानिया में हर साल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की जानिब से ड्रोन और हेलीकॉप्टर वगैरह का आलमी मुकाबला होता है और इस साल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट के तलबा तलबात ने अपना जदीद तरीन हेलीकॉप्टर ड्रोन बनाकर इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। इस मुकाबले में नस्ट एयरवर्क्स की टीम ने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक हेलीकॉप्टर तैयार किया था जो मुकाबले में शामिल वाहिद हेलीकॉप्टर भी था, जबकि दुनिया भर की जामियात के दीगर तलबा तलबात ने फिक्स्ड विंग छोटे तैयारे और ड्रोन पेश किए थे। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एक बैन अल-क़ौमी तंजीम है जो इस शोबे में तहकीक और इश्तराक बढ़ाने में अपना अहम किरदार अदा करती है। इसका दफ्तर लंदन में वाक़ है, कई ममालिक इसके बाकायदा रुकन भी हैं जिन्हें कंट्री चैप्टर कहा जाता है। गुज़िश्ता चंद बरसों से ये तंजीम गैर इंसानी तैयारों या एयरक्राफ्ट सिस्टम्स UAS मुकाबले का अजरा कर रही है। इन मुकाबलों में दुनिया भर की जामियात और अदारों के तलबा और तलबात शामिल होते हैं और अपनी तहकीकात पेश करते हैं। UAS 2019 के मुकाबले में नस्ट की एयरवर्क्स टीम बीटा को पहले इनाम का हकदार ठहराया गया है जो पाकिस्तान के लिए बिलाशुबा एक बड़ा आजाज है, जबकि क्वींस यूनिवर्सिटी बिलफास्ट के दो ग्रुपों ने दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है। इसके अलावा दूसरे 32 यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकी अदारों के नौजवानों ने अपने ड्रोन और एयर सिस्टम पेश किए हैं। इन ममालिक में बरतानिया, कनाडा, हॉलैंड और दीगर शामिल थे। वाज़ह है कि खुद नस्ट की दो टीमें मुकाबले में शरीक थीं जिनमें अल्फ़ा और बीटा शामिल हैं। ताहम गुलाम इसहाक खान और सफा यूनिवर्सिटी की टीमें भी मुकाबले में शरीक थीं। Okay, hi, we're Team Nust Airworks all the way from Pakistan and we're representing our country by presenting this helicopter drone and it just cleared the inspection round, so we're going to go on to the next stage. Yeah, and this is a completely electrical drone, we're not using fuel or anything. Yeah, one of the funny things is that a day before we came here, we crashed it, broke the rotors and everything, and we had to fix them while we came here. So our teammates together, they managed to fix everything using fiberglass and all that other technical stuff you may not know of, I'm not sure. But and this helicopter has been quite an achievement for us because it itself is an innovation. Yeah. And it's the only helicopter in the competition. In this competition, we are the only team who actually has a helicopter. The rest of the team representing fixed wings. We also have another team which has the fixed wing plane, but we also have one helicopter. But this is like a conventional two-rotor. Yeah. Oh, thank you. So it's like drone making competition. I guess. इसलिए तो लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल ड्रोन कंपटीशन में पाकिस्तान जीता। या अभी हम लोग को पता चलेगा ये कैसे बना हुआ है। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल है, जैसे ये वीडियो में बता रहे भी थे कि सब फिक्स्ड विंग होता है। ड्रोन्स को इमेजिन किया तो भी ऐसा नहीं होता। आई एम वंडरिंग कि क्या एडवांटेजेस क्या है हेलीकॉप्टर बनाने का नॉर्मल ड्रोन्स के कंपेयर। आई थिंक दे विल टेल अस मे बी। या ये देखेगा तो हमें शायद पता चलेगा। ये सब चीजें तो बाकी ड्रोन्स में भी होंगी।
हम लोग इतना ध्यान से देख रहे हैं लेकिन हम लोग को इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, टेक्निकल डिटेल्स के बारे में. वी आर जस्ट होपिंग कि कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाए. हियर टू GNSS GPS मॉडल, ESC टेलीमेट्री, BECS XADR. बट दिस इज अ बिग इशू. ओके होल्ड होता है. ओके ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजियर होता होगा. ओके या फिक्स्ड विंग को ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल रहेगा. ओके मुझे एडवांटेज फाइनली समझ में आ चुका है. विंग्स को फोल्ड करके रख सकता हूँ. दिस इज वेरी स्मार्ट एक्चुअली. ये पूरी तरह से ड्रोन टेक्नोलॉजी को, मतलब जो नॉर्मल है आज का, उसको चेंज कर सकता है क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स. ओके मुझे अभी समझ में आया इसका पर्पस भी. क्या? आई थिंक फर्स्ट एड बॉक्स कोई इमरजेंसी सिचुएशंस में ड्रॉप कर सकता है इसमें से लेके जाके. देख इसमें देखा है. ओके ऐसा प्रोग्राम करता है आई थिंक पाथ. फ्लाइट टेस्ट भी दिखाएंगे हम लोग. आई एम एक्साइटेड फॉर दिस. यस होपफुली इसमें कोई टेक्निकल डिटेल्स ना हो जिससे मुझे कुछ समझ में ना आए. और सामने फर्स्ट एड बॉक्स आई थिंक ना. हां कम ऑन कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो टेक ऑफ. इतना छोटा चीज कैसा इतना हैवी चीज को उठाएगा मैं समझ रहा हूँ. वेल नहीं उठाने को हो रहा, मुझे लगा ही था इतना हैवी चीज उठाने को नहीं होगा. बट इट इज मूविंग नाउ. उठा लिया काफी एफर्टलेसली भी उठा लिया. टेक्नोलॉजी का आज से कहाँ पहुंच गया. एंड आई एम हैप्पी टू सी कि पाकिस्तान इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में. एंड आई एम इवन हैप्पी कि गर्ल्स आर आल्सो इन्वॉल्वड. या वो टीम में लड़कियां भी थी और उन लोग सामने आके रिप्रेजेंट कर रही थी टीम को मीडिया के सामने. इट वाज वेरी नाइस टू वॉच कि ये सब चीज़ पूरा पाकिस्तान का इमेज को बेहतर करने में एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है. एक तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा जीत, मतलब इतना यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ कम्पीट करके भी पाकिस्तान जीत पाया और एक कॉलेज का टीम है. सो या मेरा गेस करेक्ट था. दिस इज वेरी नाइस. बहुत काम आ सकता है. इमेजिन कर फ्लड सिचुएशंस. मेरे दिमाग में वही था. अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स में उतना यूजफुल है क्या पता नहीं लेकिन फ्लड्स में डेफिनेटली है. वेरी नाइस. मास्क को क्यों मॉडिफाई किया हुआ अभी तक समझा नहीं मुझे. नहीं समझा कुछ. मैंने कितना कोशिश किया था ध्यान से पढ़ने का. या नस्ट एयरवर्क्स का वीडियो था ये वाला. मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर्स. एंड इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी कि पाकिस्तान साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे आ रहा है. जैसे इसने बोला कि लड़कियां भी सामने आके रिप्रेजेंट कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में. सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा सिचुएशन है कि यूजुअली वेमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है. सो सिर्फ पाकिस्तान के वेमेन आगे आ रहे हैं उसके लिए खुश नहीं हूँ. एज अ होल फुल वर्ल्ड के कंट्री, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए एक अच्छी बात है कि लड़कियाँ सामने आके ऐसे फील्ड में इतना ये कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है. एंड ग्रेट वर्क है कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट को, वैसे साउथ एशिया के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स इतने जाने नहीं जाते न्यू डेवलपमेंट के लिए, इनोवेशन के लिए. एंड दिस वॉज वेरी इनोवेटिव. बाकी सारे
बाकी सारे टीम्स ने फिक्स्ड विंग ड्रोन्स को लेके गए एंड इन लोग ने एक स्मार्ट आइडिया किया. आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न इन लोग को जीतने के पीछे वही रहेगा कि इतना इनोवेटिव थिंग था. या हम लोग ड्रोन को सोचते हैं तो आइदर वो फिक्स्ड ब्लेड वो ही होता ना जो नॉर्मल वीडियोस के लिए सब ये, लेकिन एक्चुअली कैरी करता है फर्स्ट एड बॉक्स को जो यूज़फुल बनाता है उसको. नॉर्मल ड्रोन्स वो नहीं कर सकते एंड आई एम हैप्पी टू सी कि ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी नहीं है, ये बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों के लिए, एमरजेंसी रेस्क्यू और हेल्प के लिए. सो इट वॉज नाइस टू सी एंड ग्रेट वीडियो रिकमेंड करने के लिए थैंक्स एंड कॉन्ग्रेट्स टू पाकिस्तान. कॉन्ग्रेट्स टू नस्ट एयरवर्क्स आई गेस. नहीं प्रोनंसिएशन भूल गया मैं, बट ग्रेट वर्क एंड पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड के सामने प्राउड किया है इन्होंने. सो या वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.